टाटा की तरफ से हमें बहुत जल्द ही टाटा सुमो दिखने वाली है। ये गाड़ी पहली बार 1994 में लॉन्च हुई थी और 2019 में डिसकंटिन्यू कर दी गई थी, क्योंकि ये गाड़ी लेटेस्ट एडिशन को टच नहीं कर पा रही थी और मार्केट में जैसे जैसे गाड़ियां आती गई सुमो को उस लेवल पर अपडेट नहीं किया गया था, इसी कारण से इस गाड़ी को डिसकंटिन्यू करना पड़ा। लेकिन टाटा फिर से अपने पुराने नेम प्लेट को वापस लेने की तैयारी कर रही है, ठीक उसी तरह जैसे टाटा ने अपनी सफारी वापस लाया और हैरियर को लॉन्च किया, तो उसी अब टाटा अपनी सुमो को भी लाने की योजना बना रही है और पहले का नाम फिर से वो कमाना चाहती है। तो ये गाड़ी कैसी होने वाली है, क्या क्या फीचर्स इसमें आपको मिलेंगे, कब तक सड़कों पर देखने को मिलेगी, जानेंगे हम सारा कुछ इस वीडियो में। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में लास्ट तक ताकि सारा डिटेल्स कवर आप कर पाएं। चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले देखा जाए इसके आर्किटेक्चर की, तो यह बेस्ड है ओमेगा आर प्लेटफॉर्म जिसके ऊपर यह गाड़ी बिल्ड होने वाली है। इस प्लेटफॉर्म पर सफारी और हैरियर जैसी गाड़ियां भी बनाई जाती है। तो बात करें इसके लुक्स की, तो इसका फ्रंट काफी एग्रेसिव अट्रैक्टिव रहने वाला है, जिसमें एलईडी प्रोजेक्टर और एलईडी डीआरएल देखने को मिलेंगे। इसकी फ्रंट की प्रोजेक्टर और एलईडी डीआरएल काफी अच्छी होने वाली है। इसकी फ्रंट वाली ग्रिल काफी ज्यादा मैसिव होने वाली है और इसके ठीक बीच सेंटर में टाटा का नया लोगो अपडेट किया जाने वाला है। तो बात करें इसके बैक साइड की, तो यह हमें स्प्लिट एलईडी टेल लैंप सेटअप, स्पॉइलर, हाई माउंटेन स्टॉप लाइट, डिफॉगर और रिवर्स कैमरा, रिवर्स पार्किंग लाइट्स देखने को मिलने वाली है। पहले टाइम से ही हम देखते आ रहे हैं कि फिल्मों में किस तरह टाटा सुमो को चलाया और दिखाया जाता है, क्योंकि यह एक ऑफ रोडर के नाम से भी जानी जाती है, तो इसकी ग्राउंड क्लियरेंस आपको 2 mm की मिलने वाली है, जो कि आपको उबड़ खाबड़ वाले रास्ते में चलने में जरा सा भी दिक्कत नहीं देगी। इस गाड़ी से बिना किसी रुकावट के आराम से ऑफ रोडिंग किया जा सकता है। वहीं देखें अगर इसके रूफ को देखा जाए, तो इसमें आपको रूफ रेल्स, शार्क फिन एंटीना, टॉप मॉडल में सनरूफ भी ऑफर किए जाने वाले हैं। सनरूफ की साइज की बात करें, तो इसकी सनरूफ काफी ज्यादा बड़ी होने वाली है। इस गाड़ी में आपको इलेक्ट्रॉनिक ORBM टर्न इंडिकेटर मिल जाएगा, जो देखने में एक्सटीरियर से तो यह गाड़ी काफी दमदार होने वाली है। बात करें अब हम इसके इंटीरियर के बारे में, तो इसमें आपको डुअल टोन कलर, शानदार डैशबोर्ड, 8-inch इंफोटेनमेंट टच स्क्रीन सिस्टम जिसमें आपको USB पोर्ट, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, एप्पल कार प्ले, वायरलेस चार्जर और ऑटो कार प्ले, कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी जैसी सारी फीचर्स आपको इसमें ऑफर की जाने वाली है। तो इतना सब कुछ होने के बाद इस गाड़ी के इंजन भी दमदार ही होना चाहिए। तो इस गाड़ी के इंजन को देखा जाए, तो इसमें आपको टर्बो 1.5 लीटर का इंजन देखने को मिलेगा, जो 148 BHP की पावर आउट देने में सक्षम होगी। और डीजल इंजन को देखा जाए, तो 2.0 लीटर का आपको ऑफर किया जाएगा, जिसमें 167 BHP का पावर आउटपुट आपको मिलेगा। इसके अंदर 6-speed मैनुअल ट्रांसमिशन और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन दोनों ही ऑफर किए जाएंगे। हो सकता है इसमें 4-wheel ड्राइव का भी ऑप्शन आपको मिल जाए, ताकि गाड़ी और भी लेटेस्ट हो जाए। इसमें सबसे खास बात और सबसे अच्छी फीचर्स इसके यह है कि इसकी 1000 RPM पर इसका टर्बो ऑटोमेटिकली ऑन हो जाता है, जिससे आपको ऊंचाइयां या फिर ऑफ रोडिंग करने में जरा सा भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, ऊंचाई पे यह गाड़ी आराम से चढ़ जाएगी। सबसे अहम बात देखा जाए इसके लॉन्च डेट को, तो लेकर बताया जा रहा है यह अगले इसके लॉन्चिंग डेट को देखा जाए, तो 6 महीने के अंदर इसका ऑफिशियल अनाउंसमेंट कर दिया जाएगा और इससे हमें यह पता चल जाएगा कि यह गाड़ी प्रॉपरली कब लॉन्च होने वाली है। और इसके प्राइस रेंज की बात करें, तो यह अराउंड आपको 8 लाख प्लस रहने वाली है। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कर ले हमारे चैनल को। मिलते हैं आपसे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।